नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में। दोस्तों हम देख रहे हैं कि कॉमन रीजंस फॉर जीएसटी नोटिसेस, इसके पहले भी एक वीडियो हमने बनाया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से आपको जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं और कौन से रीजंस हैं। तो नॉन रिडक्शन ऑफ प्राइस डिस्पाइट रिड्यूस्ड जीएसटी रेट्स नोटिफाइड बाय सिबिक, यानी अगर सिबिक ने कुछ गुड्स का जीएसटी रेट कम किया है फिर भी आप पुराने जीएसटी रेट के हिसाब से उसे बेच रहे हो तो एक इलीगल काम है, तो आपको जीएसटी नोटिस आ सकता है। नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी विद और विदाउट द इंटेंट टू डिफ्रॉड, मतलब अगर आपने जीएसटी के जो लाइबिलिटीज है, जीएसटी का जो भुगतान है वो नहीं किया है, पूरा पेमेंट नहीं किया है या तो फिर हाफ ही पेमेंट किया है जीएसटी भुगतान का, तो भी आपको जीएसटी से नोटिसेस आ सकती है। इनकरेक्ट जीएसटी रिफंड मेड विद और विदाउट द इंटेंट टू डिफ्रॉड, मतलब अगर आपने जीएसटी का इनकरेक्ट रिफंड लिया है, जीएसटी रिफंड लिया है जो कि सही नहीं है, तो भी आपको जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजती है, या तो फिर कोई डाउट है जीएसटी डिपार्टमेंट को आपने जो जीएसटी रिफंड लिया है तो इसकी वजह से भी आपको नोटिस आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अनइथिकल अवेल और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है जो अनइथिकल है और आपने यूटिलाइज किया है उसको, तो भी गवर्नमेंट आपको जीएसटी नोटिस भेजती है। तो दोस्तों ये सारे रीजंस हैं, और भी कुछ रीजंस हैं वो हम बताएंगे पार्ट 3 में। तो इस वीडियो सीरीज को जरूर लाइक कीजिए और हमारे जीएसटी रो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसे वीडियोज आपको आने के बाद पता चले। थैंक यू सो मच।